जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। बहुत सारे बंदों के कॉल्स आते हैं, बहुत सारे बंदों के डाउट्स हैं। ये बंदे भी डाउट्स वाले खड़े हुए हैं और ये ऐसे कई बंदे डेली आते हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो आपको बना के दे देता हूँ। इन बंदों का डाउट ये है कि सर, भर्ती ग्राउंड में जब हम लोग जाते हैं तो हमको ये नहीं पता रहता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में इस बार अग्निवीर की जो भर्ती चल रही है उसमें बच्चों को थोड़ा मौका दिया जा रहा है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसको बनवाने का मौका दिया जा रहा है। आपको 1 से 2 दिन का टाइम दिया जा रहा है, आप उसको बनवाकर सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद अपनी मेडिकल की जो पर्ची होती है वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपने अग्निवीर की भर्ती देख यानी फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो सबसे पहले आपके पास जब आप भर्ती ग्राउंड में जाएंगे तो आपके पास ये एडमिट कार्ड होगा। लेकिन बहुत सारे बंदों को ये पता नहीं कि बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि ये रहा आपका एडमिट कार्ड जो है ना वो ब्लैक एंड व्हाइट है, और बहुत सारे बंदे कलर वाला एडमिट कार्ड निकाल के चले जाते हैं। फिर उनको दिक्कत होती है, फिर जहां ये चेक होता है वहां से भगते हैं, फिर कैफे ढूंढते हैं, रात में कैफे खुला नहीं होता, फिर वहां निकलवाने की कोशिश करते हैं, फिर वो उनकी दिक्कतें हो जाती है। तो दोस्तों ऐसा मत करो, अगर आप लोगों के पास ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है तो ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा लो, दोनों तरह के एडमिट कार्ड निकल जाते हैं, लेकिन आपको ब्लैक एंड व्हाइट लेकर जाना, ये हो गया। और सबसे पहले इसके बाद एडमिट कार्ड के बाद जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो आपकी हाई स्कूल मार्कशीट की ये लगेगी, ये जो हाई स्कूल मार्कशीट है, और उसमें आप लोग देख लो कि जो आपका एडमिट कार्ड में नाम मैच कर रहा है और इसमें मैच कर रहा है सेम उसी तरह है कि नहीं है। अगर आप लोगों का हल्का सा किसी भी तरह का आपने स्पेलिंग कैफे वाले ने मिस्टेक कर दी है तो उसकी गलती के लिए आप कचहरी से उसको प्रूफ करके ये एक हलफनामा बनवाइए वहां पर कचहरी से, तहसीलदार की मोहर यानी प्रूफ करके दिखाइए कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये बिल्कुल सही है इसमें भी और इसमें। अगर कोई आगे त्रुटि होती है तो उसके जिम्मेदार मैं को दूंगा, तो अगर ऐसा है तो आप करवा सकते हैं। इसके बाद आपका ये निवास प्रमाण पत्र है, ये निवास प्रमाण पत्र वही होना चाहिए जहां से आपने हाई स्कूल किया था। और अगर आपने हाई स्कूल किसी नजदीकी डिस्ट्रिक्ट से कर रखा है और आपका निवास प्रमाण पत्र बगल के डिस्ट्रिक्ट से है तो आपका जहां से निवास प्रमाण पत्र है वहां के आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। आपका हर चीज में राशन कार्ड तक में नाम होना चाहिए, आपके पापा का आधार कार्ड भी दिखाना पड़ेगा, पापा का दिखाना पड़ेगा, हर चीज बैंक की पासबुक भी दिखानी पड़ेगी, तभी आपका ये निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। कारण ये है कि भर्ती ग्राउंड में बच्चे बहुत सारे क्या करते हैं कि 3-3 डिस्ट्रिक्टों से फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, उसकी वजह से भर्ती बोर्ड ने ये सारे नियम लागू कर रखे हैं कि अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो वहां के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये सारी चीजें आप याद रखिए। इसके बाद आपने अगर आप गाँव में निवास करते हैं तो आपका जो ये निवास प्रमाण पत्र है ये आपका अगर प्रधान से प्रमाणित कराइए, अगर आप शहर में निवास करते हैं तो आप पार्षद से प्रमाणित करवाइए। इसके बाद ये जो आपका अविवाहित प्रमाण पत्र है ये भी आप पार्षद से या ग्राम सभा के जो भी ग्राम प्रधान है उनसे, और यहाँ पर मोहर लगवाइए और उनका साइन करवाइए, ये वहां पर लगेंगे, इससे प्रूफ होता है कि आप इसी जगह के निवासी हैं। इसके बाद आपने जब इंटर छोड़ा था, हाई स्कूल छोड़ा था तो आपको ये चरित्र प्रमाण पत्र वहां से मिला था, तो इसकी कोई वैसे जरूरत नहीं। अगर आपने ले रखा है तो इसको लेकर जाओ, अगर जरूरत होगी भर्ती बोर्ड को तो ले लेंगे। इसके बाद अगर आपने पुलिस वेरिफिकेशन करा रखा है तो लेकर जाओ, अगर नहीं आपने करा रखा है तो कोई बात नहीं है, आगे चल के करा लेना, और अगर करा रखा है तो आप लेकर जाइए, जमा करिए, आगे आपको जमा नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपने हलफनामा, ये आपका हलफनामा, इसका ये प्रूफ होता है जब आपने एडमिट कार्ड निकाला था तो उसी में देखिए जाके पीछे एफिडेविट के नाम से निकलता है, और इसको निकलवा के तहसील से यहाँ पर मोहर लगवाइए, ये सारी चीजें, और जमा करिए। और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप जब भर्ती बोर्ड में भर्ती देखने जाएंगे, डिस्क्वालीफाई करेंगे तो आपको वहीं पर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका सबसे जो मेन है वो आधार कार्ड होना चाहिए, और ये आधार कार्ड और एडमिट कार्ड और हाई स्कूल मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस वगैरह जो है वो सेम होना चाहिए, इसमें से कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए, ये रहा। इसके बाद अगर आपने पैन कार्ड बनवा रखा है पैन कार्ड तो आप लेकर जाइए वहां पर सबमिट कर दीजिए, क्योंकि जब आप की जरूरत होगी आप सारी चीज पास कर लेंगे तो आपको पैन कार्ड वहां पर सबमिट करना पड़ेगा, तो अभी से पहले से आप पैन कार्ड लेकर जाइए और सबमिट कर दीजिए। ये रहे डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स इनमें से अगर आपके पास नहीं है तो उनको जल्दी से कंप्लीट करा लीजिए। और एक चीज, बहुत सारे इसमें से एक डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो आप पूछेंगे हमें कमेंट में कि इसमें से जो आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो एक चीज, ये सामान्य का व्यक्ति है, सामान्य के डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन ऐसा पहले नहीं होता था कि सामान्य की जाति नहीं मांगी जाती थी, लेकिन इस बार आपकी सामान्य के जो व्यक्ति हैं
समान मूल निवास के जो व्यक्ति हैं उनकी जाति प्रमाण पत्र जरूर लग रही है, तो अगर आप लोगों के पास नहीं है तो उसको जाके तहसील से कचहरी से जो भी है उसे बनवाइए और उसको सबमिट करिए। अगर आप नहीं लेकर जाते हैं तो फिर आपको वहां से निकाला जाएगा, इसके बाद टाइम दिया जाएगा, फिर आपको बनवा के सबमिट करना पड़ेगा। तो अभी अगर आपके पास भर्ती से पहले का टाइम है तो आप पहले से ही बनवा के रखें। इस चीज के डाउट में मत रहें कि ये हमारा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा, डॉक्यूमेंट सभी ओरिजिनल लेकर जाइएगा और सभी की फोटोकॉपी लेकर जाइएगा और कोई प्रमाणित किसी से कराने की कोई जरूरत नहीं है। और कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेकर मत जाइएगा, अगर फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं दूसरे की मार्कशीट लेकर भर्ती देखते हैं तो आप दिक्कत में आ जाएंगे और आपको पनिश भी किया जाएगा और आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इसमें से अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं क्या है क्या नहीं है। और इस तरह के हमने वीडियो डॉक्यूमेंट्स के बहुत सारे डाल रखे हैं, अगर उसमें से हमने और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के बताया है आप जाके हमारे चैनल में वीडियो में जाके क्लिक करिए, वहां पर आपको वीडियो मिलेंगे, उनको देखिए और आप अपना डाउट क्लियर करिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।